हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लैंग्वेज फिक्स सो आज हम अपने प्रोग्रामिंग के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं हम जंपिंग स्टेटमेंट्स पढ़ रहे थे जिनके थ्री टाइप्स थे सो हमने पढ़ा था ब्रेक कंटिन्यू एंड गो टू हमने ब्रेक और कंटिन्यू को तो ब्रीफ में देख लिया था आज हम गो टू स्टेटमेंट को देखते हैं द टू इज अ जम्पिंग स्टेटमेंट विच ट्रांसफर्स द प्रोग्राम कंट्रोल फ्राम वन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेटमेंट ये तो हर उसमें ही बात चल रही है कि प्रोग्राम के कंट्रोल को स्टेटमेंट uh, प्रोग्राम के कंट्रोल को चेंज करने के लिए हम स्टेटमेंट कंट्रोल स्टेटमेंट के यूज कर रहे हैं इट कैन ट्रांसफर द प्रोग्राम विद इन द सेम ब्लॉक एंड देयर मस्ट बी ए लेबर टू विच ही प्रोग्राम कंट्रोल विल बी ट्रांसफर ये क्या करता है प्रोग्राम के कंट्रोल को एक ब्लॉक में ही रखता है सेम ब्लॉक में और एक लेबल होता है जिससे प्रोग्राम के कंट्रोल को ट्रांसफर किया जाता है वो हम देखते गो टू स्टेटमेंट के टू टाइप्स हैं फॉरवर्ड गो टू एंड बैकवर्ड गो टू सो गो टू स्टेटमेंट में क्या होता है सिंटेक्स देख लेते हैं हम ये हमारा फर्स्ट सिंटेक्स है फॉरवर्ड गो टू का ये है बैकवर्ड गो टू का सिंटेक्स। सो फॉरवर्ड गो टू में क्या है हम गो टू कीवर्ड का यूज कर रहे हैं देन हम लेबल डालते हैं और जो भी हम लेबल डालते हैं वो ट्रांसफर वो कंट्रोल उस लेबल के पास ट्रांसफर हो जाता है वो हमने लेबल जहाँ भी लिखा होगा वो कंट्रोल वहाँ चला जाएगा वो हो गया फॉरवर्ड गो टू अब बैकवर्ड गो टू क्या होगा कि लेबल तो हमारे पास ऊपर है और हम गो टू स्टेटमेंट नीचे दे रहे हैं तो वो गो टू स्टेटमेंट उस लेवल पे वापस चली जाएगी समझ में आया तो फॉरवर्ड गो टू क्या कर रहा है स्किप कर रहा है स्टेटमेंट्स को और वो वहां जा रहा है और बैकवर्ड गो टू क्या कर रहा है रिपीटेशन कर रहा है क्योंकि एक बार ये वाली सारी स्टेटमेंट्स तो चल चुकी हैं तभी ये कंट्रोल यहाँ आया है क्योंकि सीरियल वाइज चल रहा है हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन तो एक बार तो सारी स्टेटमेंट्स ये चल चुकी हैं तभी कंट्रोल यहां है और वो फिर से उसके पास ही लेके जा रहा है तो मतलब ये सारी स्टेटमेंट्स फिर से चलेंगी इन दर्वक्स द फर्स्ट लाइन टेल्स द कंपाइलर टू गो टू और जंप टू द स्टेटमेंट मार्क् एज लेबल तो लेबल के जगह हम जो भी मतलब लेबल के एज अ लेबल जो हमने मार्क कर रखा है तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बता रही है कि वो कंट्रोल वहां चला जाए क्या क्या होगा? User -defined identifier, identifiers क्या थे? जो जो भी भी हम हम देते हैं हैं किसी variable को, किसी भी चीज़ को, को चीज़ दे रहे हैं, उनको आइडेंटिफायर कहते हैं तो लेबल की जगह हम जो भी नेम देंगे और जैसे कि मैंने यहाँ दे दिया गो टू एंड यहाँ दे दिया मैंने सी लैंग्वेज और मैंने यहाँ पे सी लैंग्वेज ही लिख दिया तो ये हमारा ट्रांसफर यहां आ जाएगा समझ में आया ऐसा विच इंडिकेट्स द टारगेट स्टेटमेंट द स्टेटमेंट इमिडिएटली फॉलोड आफ्टर लेबल इन द इज द डिस्क्रिप डेस्टिनेशन स्टेटमेंट द लेबल कैन ऑल्सो अपीयर बिफोर द गो टू लेबल स्टेटमेंट इन द अब सिंटेक्स वही बताया इसने फॉरवर्ड गो टू और बैकवर्ड गो टू ठीक है जैसे कि अब हम प्रोग्राम भी देख लेते हैं गो टू का तो हमने मेन में देख रहे हैं इंटेक्स की वैल्यू को आ, हमने चेक ये क्या बनाया है? हमने चेक और कॉलन से लेबल जैसे वहां लेबल था तो हमने ये चेक का लेबल बनाया ठीक है तो ये किस चीज का एग्जांपल हुआ कि लेबल पहले आ चुका है देन आगे गो टू स्टेटमेंट आएगी तो मतलब बैकवर्ड गो टू का एग्जाम्पल हुआ ठीक है तो मैंने चेक लेबल डाला प्रिंट एफ किया स्कैन करवा दी एक्स की वैल्यू इफ एक्स इज लेस देन देन गो टू चेक वापस जाएगी वापस एंटर करा रही है वैल्यू वापस जाएगी वापस एंटर करा रही है ठीक है अगर पॉजिटिव है कि इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगी फिर तो अगर एक्स की वैल्यू जीरो से ज्यादा हुई सॉरी एक्स की वैल्यू जीरो से कम हुई तो एल्स में तो समझ में आ रहा है इसको हम प्रोग्राम से भी देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा सो so, अब हम ये देखते हैं मेन में हमने सम किया सम इज इक्वल टू जीरो ऐसे हमने फोर लूप का यूज किया है फोर लूप में हमने क्या किया है सम इज इक्वल टू सम प्लस आए Then हमने इफ कंडीशन चलाई देन हमने किया गो टू एडिशन ये क्या किया गो टू एडिशन गो टू लेबल तो मतलब ये forward, forward, go to है. ये का है, चला जाएगा? वाले दुबारा दुबारा एडिशन वाले ब्लॉक पे ये दोबारा दोबारा रिपीट नहीं होगा ये डायरेक्ट एडिशन वाले ब्लॉक पे जाएगा और प्रिंट करा देगा ठीक है ये कॉन्सेप्ट है हम इसको उसकी हेल्प से देख लेते हैं कंपाइलर की देन अच्छे से समझ में आ जाएगा जैसे कि मैंने इंट ए ले लिया मैंने लिया लेबल ले लेती हूँ मैं एक कीवर्ड्स का नहीं यूज कर सकते एक लेबल ले लिया कुछ भी नाम ले लिया है मैंने ठीक है तो मैंने क्या किया प्रिंट करवाया प्रिंट में मैंने कह दिया वैल्यू स्कैन एफ से हमने वैल्यू ले ली Sorry, आएगा। से मैंने वैल्यू ले ली ठीक है तो अब हम क्या करेंगे if condition लगाते हैं। एक की वैल्यू मैंने क्या की ए की वैल्यू इक्वल इक्वल्स टू फाइव देन क्या होगा

मैं कुछ भी वैल्यू दे देती हूँ क्या आया नंबर इज नॉट फाइव मतलब यू लेबल चला तभी एंटर हुई है देन क्या हुआ इफ़ कंडीशन चेक की एक वैल्यू फाइव तो डाली ही नहीं है तो क्या हुआ एल्स पार्ट चला अब मैं दोबारा रन करके दिखाती हूँ मैंने फाइव डाल दी देखो मैंने फिर फाइव डाली फिर फाइव फिर फाइव मैं बार बार फाइव डाल रही हूँ बार बार वो स्कैन कर रहा है मैं बार बार फाइव डाल रही हूँ कंडीशन ट्रू हो रही है देन वो गो टू यू फिर यू पे लेके जा रहा है देन मैं फिर फाइव डाल रही हूँ देन वो यू पे लेके जा रहा है मैं फिर फाइव डाल रही हूँ फिर यू पे लेके जा रहा है मुझे वो समझ रहे हो जितनी बार भी और अब अगर मैंने एग्जिट कर दिया इफ मैंने यहाँ पे समझ में आया काम क्या कर रहा है गो टू और ये कौन सा था बैकवर्ड क्यों बार बार रिपीट भी कर रहा है इसमें हम पीछे जा रहे हैं बार बार पीछे जा रहे हैं तो अब हम फॉरवर्ड देखते हैं ठीक है फॉरवर्ड गो टू में हम देखते हैं मैंने यू फिर से सेम ही लेबल रखा है प्रोग्राम देखो अब मैं क्या कर रही हूं देखो क्या हो रहा है मैंने एक ही वैल्यू एंटर करवाई यहाँ पे ठीक है कंडीशन चली है इफ ए इक्वल टू इक्वल्स टू फाइव देन क्या हुआ गो टू यू ये कंडीशन चल पड़ी इस कंडीशन ने क्या किया डायरेक्ट यू पे लेके गया नहीं तो ये भी प्रिंट होना चाहिए नंबर इज फाइव होना चाहिए ना ये डायरेक्ट इस कंडीशन पे ले गया इस कंडीशन पे जाके इसने ये प्रिंट करवा दिया ठीक है ऐसे में मैं जितनी बार भी डालूंगी अब जैसे मैंने फिर से डाल दिया फाइव फिर से वही वही कंडीशन वही वही कंडीशन चलती रहेंगी कि क्योंकि आ, ये क्या कर रहा है इसको स्किप कर रहा है ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी थी गो टू के बाद वाली इसको क्या कर रहा है स्किप कर रहा है ना स्किप करके डायरेक्ट लेके आ रहा है सो आई होप आपको समझ में आया होगा फॉरवर्ड डिक्लेरेशन और बैकवर्ड गो टू स्टेटमेंट्स के क्या रीजन से क्या था क्या नहीं सो so, आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का आभार